Hey everyone, welcome to Shams IAS. I am Shivangi Sharma, and from today we are starting our class 10th history. So the first chapter of the history is the rise of nationalism in Europe. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पूरे यूरोप में nationalism की भावना कैसे बढ़ी, the rise of nationalism. So rise is kind of जन्म, born, the birth. ठीक है, द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, नेशनलिज्म में कैसे, सॉरी, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का बर्थ हुआ. ठीक है, सो वी गोना स्टडी दिस इन दिस चैप्टर. सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज़ अ पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक रूसो हु वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड द नेम ऑफ द पेंटिंग वॉज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड द फोटो वॉज मेड बाय मेड इन 1848. ठीक है, सो ये जो फोटो आपको दिख रही है ये फोटो फ्रेडरिक रूसो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी 1848 में, और इन्होंने इसकी चार सीरीज़ का इन्होंने ये प्रिंट बनाया था जिसमें उनका उनका ये ड्रीम था कि कैसे जब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक आएगा तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी. ठीक है, सो हर एक एज के मेंस और वुमेंस साथ में हैं इसके. ठीक है, इस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, लॉन्ग ट्रेन मतलब एक बहुत लंबी सी लाइनें सी आपका आपको दिख रहा होगा, इधर से कहाँ कहाँ से आ रही, कितने 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 कितना लंबा क्यू है. देखो ये तो कितना छोटे छोटे भी है वहाँ से परे. ठीक है, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सो वट इज़ होमेज? होमेज इज़ काइंड ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट. जैसे हम जैसे इंडिया में हम लोग नमस्ते करते हैं चलते, सो वैसे आप बोल सकते हैं सल्यूट करना या ग्रीट करना इन द सेंस. ठीक है, रिस्पेक्ट आप देते हुए चल रहे हैं, होमेज देते हुए चल रहे हैं. ठीक है, होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट. ठीक है, सो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट है उन्होंने लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर परसोनिफाई करा था कि लिबर्टी जो है अगर हमें उसके एक पेंटिंग बनानी है या एक एक बॉडी देनी है सो डैट विल गोना बी अ फीमेल फिगर. ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्टैचू है उनके पास एक हाथ पे है द टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट एंड दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. ठीक है, एक मैन के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए उसका जो है चार्टर है, चार्टर इन द सेंस एक लिस्ट है. ठीक है, उसमें ये सारा एक लिस्ट है, उसमें सारा जो है ये दिया गया है. ठीक है, सो और अगर हम यहाँ देखें नीचे, सो यहाँ पे हमारे पास मोनोपोली के कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट्स नीचे टूटे हुए और गिरे हुए पड़े हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के हैं, मतलब ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे एक पर्सन का जो है वो राज जो होता है, मतलब उसी के पास जो है पूरी सेंट्रलाइज्ड पावर होती है. ठीक है, सो ये सुरो का एक उटोपियन विजन था. सो व्हाट इज अ उटोपियन? इट्स अ न्यू वर्ड. उटोपियन मतलब एक सोसाइटी का विजन, मतलब एक सोसाइटी में वो विजन उसको जो कि एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, जिसके एग्जिस्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है. जैसे उटोपियन आप बोल सकते हैं कि जो पुराना टाइम था इंडिया में, तो पुराना टाइम इन द सेंस जब जिस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, जिस टाइम पे जो है कास्ट सिस्टम चला करता था, जब ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्रास के बीच में जो है वो डिवीजन था. ठीक है, सो उस टाइम पे कहीं जाके कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसी सोसाइटी होगी जिनका जिनका विजन ये होगा कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये ख़त्म हो जाना चाहिए. ठीक है, बट वो ख़त्म होना उस टाइम पे बहुत ही अनलाइकली था, बहुत ही कम चांसेस थे उस टाइम पे. ठीक है, सो वैसा ही उटोपियन विजन ये होता है जो कि लोग चाहते तो है, सोसाइटी का विजन तो है, बट वो होना बहुत ही मतलब उसको एग्जिस्ट मतलब वो बहुत ही अनलाइकली एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग उटोपियन विजन. सो यहाँ पे बहुत सारे नेशंस हैं हमारे पास, सभी के पास फ्लैग्स है और उन्होंने अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहनी है. ठीक है, सो अभी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास जो कर चुके हैं दैट आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड. सो इस वो मतलब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इसीलिए पास कर चुके हैं और के आगे बढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे देखो ये, सो ये क्यों यहाँ से आते हुए यहाँ तक जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे वापस सजा. सो क्योंकि यहाँ पर जो है अब लिबर्टी आ चुकी है इसलिए वो जो है लिबर्टी को पास कर चुके हैं, और अभी जो उनके पास पहुँची है जस्ट पहुँची है डैट इज़ जर्मनी. ठीक है,
सॉरी अभी जो है उनके पास, जो अभी इनके पास मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड आगे जा चुकी है बिकॉज वहाँ पे नेशन स्टेट आ चुकी है, और जो फ्रांस है वो आइडेंटिफाई हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, ठीक है, जो कि अभी स्टैचू के पास पहुँचा है, मतलब अभी स्टैचू के पास पहुँचा है यानी कि फ्रांस में भी अभी अभी जो है वो नेशन स्टेट जो है वो बन चुकी है, याद है आपको, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और अभी फॉलोड बाय मतलब उनके डायरेक्ट पीछे वी हैव जर्मनी बेरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, सो ये आप फोटो देख लेते हैं, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ठीक है, सो मतलब फ्रांस के आने के बाद जर्मनी, सो यहाँ पे देखो ये जो फोटो जब ये प्रिंट बनाया था फ्रेडरिक रूसो ने, उस टाइम पे नेशनलिज्म इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं था, फिर भी जो रूसो है उनको लग रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी जो भी कंट्रीज है पीछे पीछे तक सभी को जो जिस भी में जो है वो नेशनलिज्म नेशन स्टेट जो है वो बन जाएगा, ठीक है, और जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही आगे जाके हुआ भी था, ठीक है, सो हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि सूरो ने ये फोटो जो है उससे पहले बना दी थी जिस टाइम पे जर्मन पीपल जो है अभी वो मतलब यूनाइटेड नेशन में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, तो जो फ्लैग वो कैरी कर रहे थे डैट वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, मतलब अंदर से एक आशा थी कि हाँ वो टाइम आएगा कि हम भी फ्री हो जाएंगे, इतने सारे जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज थी उनको नेशन स्टेट के अंडर लाना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो बाद में मतलब यूनिफाई कर लिया गया था, ठीक है, सो जो जर्मन पीपल है जर्मन पीपल के बाद आ रहे हैं ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज लंबादी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी रशिया, ठीक है, सो ये सारे उनके बाद आ रहे हैं, और अगर हम देखें तो हेवन से यानी स्वर्ग से आसमान से जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट भी देख रहे हैं ये सिचुएशन, और बहुत सारी एंजल्स है जो भी देख रही हैं कि वाओ ये क्या हो रहा है, चलो हैव अ लुक एट दिस, ठीक है, जस्ट किडिंग, मतलब ये दिखा रहे थे वो अपने फोटो पे ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है, जो कि फर्टर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, सो इस चैप्टर में वी गोना डील विद मैनी इश्यूज विजुलाइजिंग विजुलाइज बाई सूरो, ठीक है, फ्रेडरिक सूरो ने जो ये फोटो बनाई थी ये आगे जाके काफ़ी इश्यूज जो है वो हुए थे, ठीक है, सो उन्हीं को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वी गोना डील विद द सेम, सो 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो इमर्ज हो गया था एज अ फोर्स, जिसकी वजह से यूरोप में पॉलिटिकल और मेंटल तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है, नए नेशन स्टेट्स आ रहे थे और मल्टी नेशनल यूरोप में इतने सारे एम्पायर्स थे, ठीक है, तो जगह जगह पे जो नेशन स्टेट बन रहे थे, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, और जहाँ पे जो एक सेंट्रलिस्ट मतलब जहाँ पे सेंट्रलिस्ट पावर होता था उसको हटा के मतलब सोवरेन कंट्रोल लाया गया कि सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए और टेरिटरी को मतलब हर एक टेरिटरी में वो चीज़ डिफाइन भी होनी चाहिए, ठीक है, सो और यही जो चीज़ है इसकी वजह से यूरोप काफ़ी टाइम तक डेवलप होता रहा, ठीक है, बट नेशन स्टेट जो थी वो वॉज वन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन इन द यूरोप, ठीक है, उसके रूलर ही ना हो बट यही जो सेंस है ये लोगों के मतलब ये शुरू से था हिस्ट्री से बट इतना बात आगे आई नहीं, मतलब एक एसेंस तो शुरू से था, ठीक है, और बिकॉज इतना डाइवर्स था यूरोप में तो एक कॉमननेस जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, लोगों के बीच में कॉमननेस नहीं थी, वो कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर सक रहे थे, ठीक है, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो स्ट्रगल करे और एक्शंस ले लीडर्स और कॉमन पीपल, ठीक है, सो इस चैप्टर में हम काफ़ी काफ़ी जो डाइवर्स प्रोसेस है जिसमें नेशन स्टेट बने और नेशनलिज्म जो है वो लोगों के दिलों में आ गया कि हाँ हम नेशनलिज्म के लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है, वो भी 19th सेंचुरी यूरोप में, सो दिस इज समथिंग वी गोना चैप्टर डिस्कस इन द चैप्टर, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशन का आइडिया कैसे आया, लोगों को कैसे आइडिया आया कि हम एक नेशन बना सकते हैं, हम एक कंट्री बना सकते हैं जहाँ पे हम सारे लोग
पावर हम सारे लोगों के पास होगी, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पावर किसके पास है? पावर हम लोगों के पास है, हम वोट करते हैं और आगे जाके जो है हमारा लीडर्स उनको हम खुद चूज़ करते हैं, राइट, ठीक है। तो जो पहला जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही आया, 1789 के बाद, ठीक है। सो फ्रांस जैसे हमने पढ़ा एक काफ़ी फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, ठीक है, और उनका जो राज था डैट वॉज द राज ऑफ सॉरी डैट वॉज द रूल ऑफ मोनार्क, ठीक है। मोनार्क रूल करता था, मतलब एक राजा था जिसके पास सारी पावर थी और वही रूल करता था, ठीक है। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आई और पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए, उसके वजह से जो फ्रेंच सिटीजन थे उनको लगा कि हाँ सोवरेनिटी जो है वो मोनार्की से ज़्यादा अच्छी है, तो हमें मोनार्की को हटाना चाहिए, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन था उससे लोगों ने फिर से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और डेस्टिनी को भी शेप दी, नई शेप दी, ठीक है। शुरू से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था वो ज़्यादातर यही कोशिश कर रहा था कि लोगों के बीच में जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है कि हम सारे मिल के काम करेंगे, हम सारे इकट्ठा होके अच्छा काम कर सकते हैं, वो और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था काफ़ी सारे तरीक़ों से। जैसे द आइडिया ऑफ लव ला पैट्री एंड ले सिट्योर, सो ला पैट्री वॉज की द फादर लैंड, मतलब ये जो लैंड है ये हमारी फादर है और हम सारे जो है इनके बच्चे हैं, ठीक है। और ले सिट्योर मतलब हम सिटीजन्स हैं, सो द लैंड इज़ आर फादर एंड वी आर द सिटीजन्स, ठीक है। मतलब देर इज़ अ कॉमन फादर डैट इज़ द लैंड, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, राइट, भारत माता है, भारत माता सारे भारतीयों की माता है, सो वी हैव अ सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस अमंग अस, राइट। हमारे पास नेशनल प्लेज है डैट ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री, ठीक है। सो ये इतने सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है कि हम सारे एक ही हैं, राइट। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी कंट्री में जिसकी वजह से हमें बार बार याद आता है, हमें क्लिक करती है कि हाँ वी बिलोंग टू इंडिया एंड इंडिया इज़ अ फैमिली एंड ऑल पीपल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर फैमिली बिलोंग्स टू अस एज एन, ठीक है। सो वी हैव अ सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस इन इनस। सो ये कोशिश कर रहे थे कि फ्रेंच पीपल के अंदर भी कलेक्टिवनेस लाए, तो वैसे ही ला पैट्री और ले सिटियोन का जो है वो ला पैट्री और ले सिटियोन का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और लोगों को बताया गया कि हम एक यूनाइटेड किंग कम्युनिटी बनाएंगे, सारे मिलके काम करेंगे, सभी के पास इक्वल राइट आएगा, ठीक है। तो हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, हम सारे इक्वल हो जाएंगे। नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, द ट्राई कलर तिरंगा बनाया गया, ठीक है, उसमें तीन कलर्स थे। और जो भी ये फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड था, यानी कि जो राजा वगैरह का जो भी स्टैंडर्ड था, इनको रिप्लेस करने का हम लोगों ने इन्होंने ठान लिया था। जो स्टेट जनरल थे वो इलेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स पैसिव सिटीजन्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन क्लास 9th, स्टेट जनरल वगैरह हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो स्टेट जनरल था वो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट कर रहे थे, एक्टिव सिटीजन्स यानी कि जो लोग वोट कर सकते थे वो लोग इलेक्ट कर रहे थे। और जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया था। नए हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ्स ली गई, हिम्स कंपोज किए गए, मतलब नए सॉन्ग्स या फिर नए आप बोल सकते हो कि एक स्लोगन भी बोल सकते हो। हिम्स इज लाइक जैसे हिंदू धर्म में हिम्स है, जैसे मंत्र वगैरह है, वैसे हिम्स आप सॉन्ग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे और नई ओथ ली गई, प्लेज ली गई, और जो मार्टाइज वो लोग होते हैं जो शहीद हो गए होते हैं, उन शहीदों को जो है वो याद किया गया, ठीक है। और इन द नेम ऑफ द नेशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वॉज पुट इन द प्लेस, और जो फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज थे, अब हर एक टेरिटरी के हर एक सिटीजन के लिए जो सारे लॉ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब चाहे जितने भी बड़ी टेरिटरी है, जितने भी सारे लोग हैं, उन सभी के जो लॉज है वो एक ही होंगे, सेम लॉज, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और जो भी ड्यूज थे उन सभी को हटा दिया गया, और वेट और मेजर्स का भी यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया। सो आप पता है आपको क्या हुआ करता था, यू विल बी सरप्राइज कि देखो दिस इज़ अ पर्टिकुलर लैंड ओके। सो यहाँ पे जैसे मान लो दिस इज़ अ प्लेस, तो यहाँ पे एक किलो का मतलब 200 ग्राम, इधर एक किलो का मतलब 800 ग्राम, इधर एक किलो का मतलब 1200 ग्राम, ऐसी चीज़ होने लगी। तो आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे एक किलो का मतलब 1000 ग्राम्स ही है। सो
यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जो वेट्स और मेजर का जो सिस्टम है वो अलग अलग था, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया कि 1 किलो 1000 ग्राम ही होगा हर एक जगह पे, ठीक है। सो अब कहीं पे ये 1800, कहीं 1200, कहीं कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। फ्रेंच जो है, जो कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, वो कॉमन लैंग्वेज बन गई नेशन की। जो रेवोल्यूशनर थे उन्होंने फर्दर डिक्लेयर करा कि ये जो मिशन था उसके अंडर फ्रेंच को, अगर हमें जो फ्रेंच नेशन है उसको लिबरेट करना है, ठीक है, और यूरोप की जो पीपल है उसको हमें डेस्पोटिज्म और मतलब लोगों के अंदर एक भावना लानी पड़ेगी कि यूरोप को नेशन बनाना है, मतलब और लोगों को भी हेल्प करना पड़ेगा। ऐसे जो न्यूज़ आ गए, ठीक है, न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, ठीक है, जब पता चला कि फ्रांस में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसा ऐसा चीज़ें हो रहा है, तो यूरोप की भी अलग अलग जगह पे बातें चलने शुरू हो गई थी, ठीक है। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने भी जैकोबिन क्लब्स वगैरह सेटअप करने शुरू कर दिए, नए नए एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स बनाने लग गए लोग, ठीक है। जो फ्रेंच आर्मीज थे वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली जैसी जगहों पे चले गए थे 1917 में, ठीक है, विद आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स। और जो ये फ्रेंच आर्मीज थी ये हर जगह नेशनलिज्म का आइडिया जो है अब्रॉड में भी वो फैला रही थी, ठीक है, बता रही थी कि नेशनलिज्म ऐसा ये चीज़ें होती है। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अप इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो अब जो एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है, सो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी अपने अंडर कर ली थी, तो जो सारे रिफॉर्म्स वो फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, सो उन्होंने बोला और जगह पे भी करना चाहिए, ठीक है, फ्रांस पे भी कर लिया और जगह पे भी करेंगे। और नेपोलियन की वजह से फिर से मनार्की आ गई है, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑफकोर्स फ्रांस की जो डेमोक्रेसी है वो बर्बाद कर दी नेपोलियन ने, ठीक है। अच्छा खासा फ्रांस में थोड़ा थोड़ा हमें डेमोक्रेसी का फॉर्म देखने को मिल रहा था, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने बोला डेमोक्रेसी ना भाई ना, हम आ चुके हैं और हम चलाएंगे मोनार्की, ठीक है। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको लगा ये जो भी रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स है अगर पूरा सिस्टम को रैशनल और इफेक्टिव बनाना है तो उन्हें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिविल कोड 1804 जिसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता था वो बनाया गया, और नेपोलियन कोड के अंडर जो प्रिविलेजेस है, मतलब जन्म के साथ जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको हटा दिया गया, और इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश कर दी गई, ठीक है। जो कोड था इस कोड की मदद से फ्रेंच कंट्रोल अब एक्सपोर्ट भी कर सक रहा था, ठीक है, बाहर डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में, ठीक है। नेपोलियन ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, और उन्होंने पीजेंट्स को सर्फडम और जो भी मैनोरियल ड्यूज थे उनसे भी फ्री कर दिया, ठीक है। टाउन्स में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव हुए, पीजेंट्स आर्टिसंस और जो वर्कर्स थे और जो न्यू न्यू बिजनेसमैन्स थे उनको नए फाउंड फ्रीडम थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही थी, ठीक है। जो बिजनेसमैन्स थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, वो उनको लग रहा था कि हाँ, उनको पता चला कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज है और जो स्टैंडर्डाइज वेट स्टैंडर्डाइज वेट और मेजरमेंट है ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज और नेपोली ने बोला कि पूरी कंट्री में कॉमन करेंसी फॉलो होगी जिसकी मदद से गुड्स का एक्सचेंज और कैपिटल का एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। हाउएवर जो एरिया उन्होंने कॉन्कर किया था, द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच वॉज मिक्सड, लोग कन्फ्यूज थे, लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, अभी डेमोक्रेसी चल रही थी अचानक से नेपोलियन आ गया, सो अब लोग काफ़ी कन्फ्यूज थे कि अब क्या होगा कैसे होगा, मतलब किन्हीं को लग रहा था कि नेपोलियन आ गया, नेपोलियन इतना सब कुछ कर रहा है अच्छा है, बट काफ़ी लोगों को लग रहा था कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी तो बर्बाद कर दी, सो लोगों को मतलब काफ़ी मिक्सड लोगों के अंदर जो अभी रिएक्शन थे। तो काफ़ी जगह है जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स की कुछ जगह जैसे कि मीन्स मिलान और वर्सो, फ्रेंच आर्मी इसको बहुत ही
अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग लिबर्टी लेकर आएंगे अगर ये आएंगे तो, ठीक है। बट ये जो इंथुजियाज्म था ये जल्दी ये हॉस्टिलिटी में बदल गया, बिकॉज ये क्लियर हो गया था कि जो भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की गई है वो पॉलिटिकल फ्रीडम हाथ में तो नहीं देगी। क्या हो रहा था, टैक्सेशन बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप हो गई, और फ्रेंच आर्मीज को फोर्स किया गया कि वो कंस्क्रिप्शन करे, आर्मीज को रिक्वायर, मतलब आर्मीज को बोला जा रहा था कि पूरा बचा हुआ यूरोप को भी कॉन्क्यूर करो, और जिसकी वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है इनके जो है एडवांसेस के आउटवेट दिख रहा था, ठीक है, साफ साफ द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। सो अगर हम देखें तो मिड 18th सेंचुरी में जो यूरोप है उसको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि आज वाला जो यूरोप है ये वही यूरोप है, मतलब इतना सडन चेंजेस है कि जो यूरोप पहले हुआ करता था, आई थिंक, हाँ, जो यूरोप पहले हुआ करता था इसमें तो काफ़ी सारी चेंजेस है, फिर भी यू डोंट हैव एनी अदर मैप। सो ये तो वीना के कांग्रेस बैठने के बाद जो यूरोप था ये उसकी फोटो है, ठीक है। सो एक मिनट, लेट मी थिंक, वी मस्ट हैव अ मैप राइट देयर, बट नहीं है, ओके, डोंट वरी। हाँ, तो मिड 18th सेंचुरी की यूरोप में अगर आप मैप देखोगे और अभी देखोगे तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी चेंजेस है, जिनको अभी हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं वो डचीज, कैंटन्स जैसे रूल्स में इसमें डिवाइडेड था, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड दिस एंड जस्ट फाइंड इफ वी कैन फाइंड समवन सम प्लेस राइट हियर। सो सो ये मैप अलग है, सो नो प्रॉब्लम, विल रिलेट टू दिस मैप इन द अपकमिंग अपकमिंग टॉपिक, ठीक है। सो जो रूलर्स थे उनकी, मतलब ऑटोनॉमस टेरिटरी थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है वो मतलब डाइवर्स पीपल में डिवाइडेड थी, वो खुद को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर वो शेयर नहीं करते थे, और वो कोई मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को फॉलो करते थे। देखो तो हमारे इंडिया में भी लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप को फॉलो करते हैं, बट हमारे बीच में एक कॉमन कल्चर है कहीं ना कहीं, और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हम लोग फॉलो करते हैं, डैट वी आर इंडियंस, ठीक है। और हिंदी, हम हिंदी थ्रू आउट द इंडिया बोली जाती है, विच मेक अस फील दैट वी आर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे लोगों को नहीं, मतलब वो खुद को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं देख रहे थे, ठीक है। सो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कि डैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। सो उधर का भी मतलब काफ़ी पैच वर्क था, पैच वर्क मतलब दिस इज़ अ प्लेस और दिस इज़ अ पैच 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 पैच। सो ये यहाँ पे पैच वर्क इसीलिए बोल रहे हैं, वो ये तो आप देखोगे ना टिल्ट करके तो ये वो बन गया, मतलब सैड स्माइली बन गई, सैड वो बन गया, ये मिट भी नहीं रहा, उसको बात नहीं। सो यहाँ पे जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसी जगहों पे राज करता था, ठीक है। सो उस टाइम पे जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे थे, ठीक है। और बिकॉज इतना सारी डाइवर्सिटी थी तो लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं था, आई होप यू कैन कनेक्ट टू वट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो उनमें से जैसे अल्पाइन रीजन ऑफ ट्रेओल ऑस्ट्रिया एंड सदर्न लैंड, उसके अलावा बोहिमिया, सो ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ ऐसी थी जहाँ पे बहुत ही प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग थी, और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे इटली बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती थी, जैसे प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेटिया। और हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो मैग्यार बोलती थी और कुछ जो है वो अलग अलग डायलेक्ट्स बोलती थी, ठीक है। गलेशिया में भी देखे जो अरिस्टोक्रेसी थी, अरिस्टोक्रेसी कौन होती है, अरिस्टोक्रेसी इज द जो भी राजा के फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, थीके? वो पॉलिश लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। सो जो तीन डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो कि हमें पता है कौन है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, डेट वर क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट, ठीक है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट अपायर में रहते थे तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो भी बोला करते थे, ठीक है, एज सिंपल एज डैट। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है वो एक कॉमन, मतलब एक
यूनिटी नहीं थी, ठीक है। सो इन डिफरेंसेस के अंडर एक पॉलिटिकल यूनिटी को ऐसे प्रमोट करना इज़ नॉट इजी, ठीक है। सो इसी वजह से जो है काफ़ी डाइवर्स ग्रुप में एक कॉमन एलिगेंस बनाने के लिए जो है मतलब थोड़ा टाइम लगा था। अदर अरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लास सोशली पॉलिटिकली और जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थी वो सबसे डोमिनेंट क्लास थी कॉन्टिनेंट की। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? लैंडेड अरिस्टोक्रेसी मतलब जो जो हमारे पास अरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, सपोज दीज आर सम पीपल बिलोंगिंग टू द अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अभी और इन लोगों के पास है लैंड, दे ओन लैंड। सो ये जो लोग है दे आर द मोस्ट डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिकॉज एक तो वो अरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते हैं, ऊपर से उनके पास लैंड भी है, ठीक है, सोने पे सुहागा। सो ये जो मेम्बर्स है ये मतलब देखो अलग अलग जगह आई थी फ्रांस में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैच वर्क था, तो मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा और अलग अलग जो अरिस्टोक्रेसी है वो हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे अलग अलग अरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, तो मतलब इस यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और, यूरोप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अलग अलग लोग तो यहाँ पे क्या करते थे, जब ये अरिस्टोक्रेट्स होते थे तो ये ना शादी वगैरह करते थे, और मतलब एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता था अरिस्टोक्रेट्स का कि हाँ ठीक है हम सारे यही करेंगे, और शादी वगैरह कर लिया करते थे आपस में, ठीक है। इनके जो विलेजेस सॉरी इनकी जो लैंड्स थी वो विलेजेस में हुआ करती थी, और इनके जो घर थे वो टाउन में हुआ करते थे, मतलब टाउन में रहते थे, ठीक है। ज़्यादातर ये फ्रेंच ही बोला करते थे क्योंकि वो हाई सोसाइटी को दिखाता था, और जो फैमिलीज थे वो मतलब शादी वगैरह कर लिया करती थी, एज आई टोल्ड यू। जो पावरफुल अरिस्टोक्रेट्स थे वो मतलब कम थे नंबर पे, जो जितने ज़्यादा थे वो उतने कम थे। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की ही थी। अगर हम वेस्ट की तरफ पे देखें तो जो लैंड का जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो पार्ट है वो टीनेंट्स काम किया करते थे, मतलब लैंड किसी और की, और वो जो छोटे छोटे टीनेंट्स थे वो वहाँ पे जाके जो है काम किया करते थे, ठीक है। वही ईस्टर्न और सेंट्रल पावर में जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वो मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया था, और इनको सॉफ्ट कल्टिवेट करते थे, सॉफ्ट मतलब जो उनके अंदर जाके काम करते थे। जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था, और ट्रेड का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से जो टाउन्स वो ग्रो कर रहे थे, और कमर्शियल क्लासेस का भी जो है एमरजेंस हो चुका था, ठीक है। मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ रहा था, सो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया। सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी में भी जो है ये 19th सेंचुरी के अंडर अंडर जो है वो अकर हो चुका था, ठीक है। नए नए सोशल ग्रुप्स आ गए थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन मिडिल क्लास सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन और प्रोफेशनल बनने लग गए थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो नंबर है ये थोड़ा कम था टिल द लेट 19th सेंचुरी, इट वॉज अमंग एजुकेट क्योंकि एजुकेटेड लोग कम थे, ठीक है। वट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है, ठीक है। सो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में लाया गया, ठीक है, जो कि बेसिकली लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से था। तो लिबरलिज्म का जो मतलब होता है ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब इसका जो ये जो वर्ड डराइव हुआ है ये लैटिन वर्ड लिबर से ड्राइव हुआ है, और लिबर का मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो जो न्यू मिडिल क्लास थे उनका मतलब था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और इक्वालिटी, और सभी को इक्वालिटी मिलेगी और सभी के लिए जो वो फ्रीडम होगी। पॉलिटिकली इसका गवर्नमेंट के कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा कि कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए कि ये चीज़ हो, ठीक है। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म जो था उसका हेड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लियरल प्लेबिडेंस। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें बेसिकली इसका ये मतलब था कि ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक राजा और एक एक उसी के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, और ये जो भी क्लरिकल प्रिविलेजेस है इनके खिलाफ था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, हमने पढ़ा है, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में, ठीक है, उनके खिलाफ भी ये था। 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे वो स्ट्रेस्ड थे क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ जा रहे हैं, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास, ये जो भी मतलब जो भी राजा महाराजा है इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट लोगों की ही होनी चाहिए, ठीक है।
अब उसके बाद लोग बोल रहे थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, बट सभी के पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। फिर भी अभी भी कुछ कुछ एक लोग होने चाहिए जिनके पास राइट टू वोट है, सभी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था वो लिबरल डेमोक्रेसी में हुआ, और जो राइट टू वोट है वो प्रॉपर्टी ओइंग मैन ही दे सकते थे, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी वो दे सकते थे वोट, और जो वुमेन्स थी उनके पास वोट का कोई राइट नहीं था, ठीक है। और इस टाइम पे जो जैकोबिन क्लब्स है वो भी सारे मेल्स के पास थे, और वो जो वोट वगैरह देके खूब अपने सारे एंजॉय करते थे इन चीज़ों को, ठीक है। जो नेपोलियन कोड था वो बहुत ही लिमिटेड सफरेज पे जाया गया, और जिसकी वजह से वुमेन का जो स्टेटस है वो माइनर से भी थोड़ा कम कर दिया गया था, ठीक है। उनका जो सब्जेक्ट है वो फादर और हस्बैंड की अथॉरिटी पे ही है कि फादर क्या है हस्बैंड क्या है उसके ऊपर, मतलब औरतों का कुछ अपना नहीं था उस टाइम पे भी। और 19th century और अर्ली 20th century में वुमेन्स और जो नॉन प्रॉपर्टी मैंस थे उनको भी उन्होंने भी ऑर्गेनाइज करा, और उन्होंने काफ़ी अपोजिशन मूवमेंट करे ताकि उन्हें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मिल सके। इकोनॉमिक स्फेयर में जो लिबरलिज्म था उसका मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है। सो लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में समझ रहे हैं। सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम समझे तो इकोनॉमिक का लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। सारे ये जो टैक्स वगैरह लगते हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शन है, ये सारे हट जाने चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जो जर्मनी स्पीकिंग रीजन है वो हाफ ऑफ द 19th century में जो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसने मतलब काफ़ी ऐसे काउंटलेस छोटी छोटी जगहें थी, जैसे 39 कन्फेडरेशन। अब हर एक जगह पे अगर आपको जाना है, अगर आपको इस जगह से इस जगह में भी जाना है तो इधर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो जहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे तो कितना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इसके खिलाफ लोगों ने जो है उस टाइम पर लड़ाई करी थी, और इक्वल जो है वेट्स और मेजर के मूवमेंट जो है वो लाए गए थे। ऐसे कंडीशन को इकोनॉमिक चेंज मतलब ऑब्स्टिकल देखा जा रहा था इकोनॉमिक चेंज और ग्रोथ का, बिकॉज चीज़ें इक्वल नहीं थी, सारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो यूनिफाई नहीं थी, उन सभी को यूनिफाई करना पड़ रहा था, ठीक है। 1834 में एक कस्टम यूनियन यानी कि जोलवेरिन वो फॉर्म किया गया, जिसका इनिशिएटिव प्रूशिया ने लिया और बोला कि हाँ सारे जो भी यूरोप है उसको हम जो है वो यूनाइट करेंगे पूरे कॉन्टिनेंट को, ऐसा जो है उन्होंने बोला, ठीक है, कि उन्होंने प्रूशिया ने, क्योंकि प्रूशिया को जो है सारा इनिशिएटिव ले लिया था और जर्मन स्टेट जो है वो उनका हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे जो 30 करेंसीज होती थी उनको कम करके सिर्फ 2 ही रहने दिए थे, और यूनिवर्सल नेशनल यूनिफिकेशन का जो इंटरेस्ट है वो लोगों के बीच में लाया गया। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850, तो जैसे हमें पता है कि नेपोलियन द वॉर ऑफ वाटरलू में हार गया था 1850 में, तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उन्होंने उन्होंने देखा कि कंजर्वेटिज्म की भी एक स्पिरिट है। कंजर्वेटिज्म मतलब ये वो लोग होते हैं बेसिकली जो कि ट्रेडिशन वगैरह पे ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, और उनका मानना है कि चेंजेस नहीं आने चाहिए, चेंजेस जो है वो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है चेंजेस की, मतलब रहने दो क्या करोगे चेंजेस का, ठीक है। कंजर्वेटिव का ऐसा लग रहा था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए स्टेट और सोसाइटी में, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको प्रिजर्व करके रखो, ठीक है, उनका मानना ये था। ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने प्री रेवोल्यूशनरी डेज में कोई भी ऐसा कुछ ऐसा प्रपोज तो नहीं करा था, ठीक है। बाद में उन्होंने रियलाइज़ करा कि यार ये जो चेंजेस नेपोलियन ने इनिशिएट करे हैं डैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, ठीक है। सो उसके लिए जो स्टेट पावर है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मॉडर्न आर्मी की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी थोड़ा फ़र्क पड़ा था। डायनेमिक इकोनॉमी और इसका फ्यूडलिज्म को हटा दिया गया, सर्फडम और टू स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। 1850 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर के, यानी कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हटाया, और जो भी जगह थी जो नेपोलियन के अंडर थी, ठीक है, उनको अब क्या क्या सेटलमेंट करना है इसके लिए वो वियना में मिले,
ताकि वो यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ड्रॉप कर सके। जो कांग्रेस थी वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक ने होस्ट करी थी, और उस टाइम पे ट्रीटी ऑफ वीना 1815 ड्रॉप की गई। ठीक है, सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन के वार की वजह से हुई है उन सभी को हम हटाएंगे और पहले की तरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, जो बोर्बन डायनेस्टी थी जो कि थी वहाँ पे, ठीक है, विच हैव बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उनको फिर से पावर आ गई। आपको हमको याद होगा लुईस 16, जिनके बारे में हमने डिस्कस करा था 9th क्लास में। ठीक है, और जो कि बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे और उनकी ट्रेजरी एम्प्टी थी, तो उसकी वजह से जो बर्बन फैमिली है उसको जो है एक एंड आ गया था बोल सकते हैं आप। ठीक है, बट 1815 में जब ये सब कुछ हुआ तो बर्बन डायनेस्टी के बाद फिर से पावर आ गई। ठीक है, सो बर्बन डायनेस्टी के पास जब फिर से पावर आ गई थी, ठीक है, फ्रांस ने अपनी काफ़ी टेरिटरीज खो दी थी जो कि नेपोलियन के अंडर थी, इसलिए उन्होंने सारी ये भी, अब जब नेपोलियन की हार हो गई थी तो वो सारी बाउंड्री जो है वो, मतलब फ्रांस जो है वो सोच रहा था कि अब वहाँ खुद का एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, दस जो नीदरलैंड्स के किंगडम थे जिसमें बेल्जियम, वो नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। जिनोवा वो पिडमोंट में ऐड हो गया साउथ में। प्रूशिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिली वेस्टर्न फ्रंटियर में, और ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली के कंट्रोल को एंजॉय करा। ठीक है, जर्मन कन्फेडरेशन किया 39 स्टेट्स का, जो कि नेपोलियन ने ऐसी छोड़ दी थी, नेपोलियन ने कुछ नहीं करा था उसको। ठीक है, सो ईस्ट में जो रशिया है उनको पोलैंड का पार्ट मिला और प्रशिया को जो है वो सक्सोनी का पोर्शन मिला था। ठीक है, जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि मोनार्कीज रिस्टोर हो जाए। ठीक है, बिकॉज जो कंस्टिट्यूंट्स थे यही चाहते कि चेंजेस क्यों करने, मोनार्कीज ही रहने दो। ठीक है, बिकॉज और नेपोलियन भी अभी भी क्या था, और नया जो है वो कंजर्वेटिव ऑर्डर बन सकता था यूरोप में। जो कंजर्वेटिव रिजियम थी वो 1815 में सेटअप किए गए, जो कि ऑटोक्रेटिक थे। ठीक है, वो क्रिटिसिज्म नहीं टॉलरेट कर सकते थे और ना ही डिसेंट। ठीक है, उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ ली जिसमें वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर वो क्वेश्चन करने लगे। ज़्यादातर ने लॉज को सेंसर कर दिया और बोला कि ये जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स और प्लेस है इस पर खास ध्यान रखा जाएगा, इन पर लिबर्टी और फ्रीडम जैसी जो आइडियाज़ है वो नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, कि लोग फिर से ना वो करने लग जाए। ठीक है, बट फिर भी लोगों के दिलों में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया है, जो मेमोरी है, वो अभी भी थी। ठीक है, सो अब लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करने लगे कि तुम प्रेस में ये क्या चीज़ें दिखा रहे हो। सो उन्होंने प्रेस के लिए फ्रीडम की डिमांड करी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस द रेवोल्यूशनरीज। सो 1815 में जो फियर था रिप्रेशन का, वो काफ़ी डर था लिबरल नेशनलिस्ट के अंदर। ठीक है, सो अब कभी भी कुछ भी हो सकता था कि क्योंकि इतने सारे कमेंटमेंट किए गए थे मोनार्कियल फॉर्म के अगेंस्ट, और अब जो वीना की कांग्रेस बैठ गई थी उसके, अब फाइट हो रही थी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। ठीक है, लोग सारे चीज़ें कर रहे थे जिसकी वजह से जो है उन्हें फ्रीडम मिले, वो पूरा स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे एक इंडिविजुअल थे इटालियन रिवोल्यूशनरी गुज़ब मज़ीनी, जिनका बर्थ हुआ था जिनोवा में 1807 में। सो वो काफ़ी एक, वो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैनबरी के मेंबर बने एक यंग उम्र में 24 के। उनको एक्साइल में भेज दिया गया, यानी कि उनको बंदी बना दिया गया 1831 में, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में थोड़ा रिवोल्यूशन के लिए अटैम्प्ट किया था। ठीक है, सो उन्हें मतलब दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई। फर्स्ट वॉज द यंग इटली इन मर्सलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग थे वो लाइक माइंडेड थे, मतलब उनकी थिंकिंग एक ही थी, दैट वर यंग मैन ऑफ पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स। ठीक है, मज़ीनी का ये मानना था कि जो भगवान है, भगवान खुद ही चाहते हैं कि मैनकाइंड जो भी लोग हैं वो मिल के, मतलब नेचुरली लोगों के अंदर होना चाहिए कि हम लोग एक है, हम लोगों की जो कि हम लोग एक है, हम लोगों के अंदर जो यूनिटी होनी चाहिए, हम लोगों को जो है मिलके काम करना है। ठीक है, ये मानना था वो सब मज़ीनी का।
उनका ये भी मानना था कि अगर ऐसा करना है तो इटली का ये जो पैच वर्क है ये नहीं चलेगा, हमें मिलके एक बड़ा किंगडम बनाना पड़ेगा, हमें यूनिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इटली होता है, इटालियन लिबर्टी होती है, तो साथ साथ में बाकी भी हो जाएगी। ठीक है, सो इस मॉडल को फॉलो करते करते सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की गई जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में। मजीनी ने रिलेंटलेस अपोजिशन करा मोनार्की का, वो उनको मोनार्की तो एक अंग भी नहीं बाती थी। ठीक है, और वो देख रहे थे सपने कि कैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ठीक है, और इसी विजन की वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे उनको भी डर लग रहा था। मैटर्निंग ने डिस्क्राइब करा कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के। सो क्वेश्चन आ सकता है कि हु सेड द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, सो मटर्निंग। ठीक है, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। सो जो कंजर्वेटिव रिजीम है वो पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, और लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म थे वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लोगों के दिमाग में बातें आ रही थी, काफ़ी यूरोप का काफ़ी रीजन था जैसे इटली, जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड। ठीक है, जो मिडिल क्लास एलाइट थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझ आ रही थी चीज़ें, तो वो इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ में बिलीव कर रहे थे और इस चीज़ को फोकस कर रहे थे। ठीक है, जब फर्स्ट अपील था वो हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में, जहाँ पे जो बर्बन किंग्स थे उनकी पावर वापस आ गई 1815 में। ठीक है, और जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने काफ़ी इंस्टीट्यूशनल मोनार्की सेटअप करी लुइस फिलिप के साथ मिलके। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक भी फेमस स्टेटमेंट बोली मैटर्निंक ने कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है वो जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो जुलाई रेवोल्यूशन था उन्होंने उसमें ब्रुसेल्स में काफ़ी ज़्यादा अपराइजिंग हुई, जिसकी वजह से बेल्जियम जो यूनाइटेड किंगडम था वो मतलब बेल्जियम जो यूनाइटेड किंगडम था वो नीदरलैंड्स पे आ गया था। ठीक है, उस टाइम पे सो ये जो इवेंट था मोबिलाइज नेशनल, इसकी वजह से लोगों के जो भी एजुकेटेड एलाइट थे उनको समझ आने लग गया था कि हाँ ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ठीक है, मतलब कि अगर इंडिपेंडेंस करनी है तो लड़ाई करनी पड़ेगी जैसे ग्रीक ने की। सो ग्रीस जो थी वो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था सिंस 15th सेंचुरी, और जो ग्रोथ हुआ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का उसकी वजह से यूरोप का स्ट्रगल जो है वो एक स्पार्कल हो गया था। ठीक है, और ग्रीक्स जो थे उन्होंने बोला कि हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, और उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू करा 1821 में। ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट करा सारे, और ग्रीक्स को जो एग्जाइल में थे जिनको बंदी बना दिया गया था। ठीक है, सारे उन्होंने वेस्ट वेस्ट यूरोप से भी लोगों को इकट्ठा करा जो कि ग्रीक कल्चर को एम्फोसाइज कर रहे थे, एंशियंट ग्रीक कल्चर को। सो काफ़ी ऐसे पोइट्स थे, एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बेरन, जो भी ऐसे फंड्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि लड़ाई वगैरह हो सके बाद में, और जब उनका बट उनकी डेथ हो गई थी 1824 में बिकॉज ऑफ फीवर। ठीक है, फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकोगनाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंस नेशन। सो ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंस नेशन बना दिया गया था। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, सो यहाँ पे लोगों का मानना ये था कि जो कल्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें कोई भी नेशन बनाना है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट आर्ट्स का सहारा ले, ठीक है, पोइट्रीज का सहारा ले, डिफरेंट डिफरेंट अगर हम स्टोरीज लोगों को सुनाएं, अगर हम लोगों को म्यूज़िक सुनाएं, तो लोगों के अंदर जो है वो नेशनलिस्ट की फीलिंग और ज़्यादा जागेगी। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिसिज्म बेसिकली यही होता है जहाँ पे हम कल्चर को और ज़्यादा जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और जो पोइट्स थे वो यही चाह रहे थे कि अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो हमें इनका भी सहारा लेना होगा। ठीक है, ताकि इट विल बी ईजियर। सो ये जो एफर्ट्स थे ये सारे मतलब एक कलेक्टिव हेरिटेज बनाने का, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर हम जो है वो कल्चर का जो है वो सहारा लेंगे। कुछ रोमांटिक्स थे जैसे जर्मन फिलोसोफर ऑफ जॉन गॉटफ्रीड। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो जर्मन कल्चर है वो लोगों के अंदर दास वोल्क
है, ठीक है। इसके अंदर हमें फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, डांस, ये सब कुछ और ज़्यादा दिखाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर नेशन बिल्डिंग की जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़े। वर्णगर लैंग्वेज यानी कि जो लोकल लैंग्वेज थी उसी में लोगों को चीज़ें समझाई जा रही थी, बार बार बताई जा रही थी, नए नए फोक लोर इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे एंशियंट इंडिया में, काफ़ी बड़ी बड़ी जो ऑडियंस थी उनको मैसेज बताए जा रहे थे और उनको बताया जा रहा था कि कैसे हमें आज़ादी चाहिए। जो इलिटरेट लोग थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके लिए भी ये सारी चीज़ जो है वो काम कर रहे थे, ठीक है। पोलैंड में भी अब एक कोई भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी, तो अब लोगों को म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू हम जो है लोगों को चीज़ें बता रहे थे, ठीक है। लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में, और इधर भी करा, ठीक है। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद जब पोलिशियन लैंग्वेज थी वो स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया गया, मतलब लैंग्वेजेस को, और रशियन लैंग्वेज जो है वो हर जगह इम्पोज कर दी गई कि पूरी कंट्री में जो है वो रशियन ही बोली जाएगी, ठीक है। काफ़ी लोग थे जैसे क्लर्जी के, जैसे जो पोलैंड के, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हम भी अपने चर्च में जो है एक ही लैंग्वेज का सहारा लेंगे, डैट इज गोना बी रशिया। हंग हार्डशिप एंड पॉपुलर हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट 1880s पे जो लोग थे उनको काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ी यूरोप में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century में हमें काफ़ी यूरोप की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी और ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बट इनकी एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, ठीक है। स्लम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी, ओवर क्राउड होने लग गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, और बहुत ही कम इम्पोर्ट्स हो रहा था, बहुत ही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ होगा, पर वैसे ही हुआ, बिकॉज खाने का प्राइस बढ़ गया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और टाउन कंट्री में जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। 1848 में एक ऐसा साल था जहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गया और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था, ठीक है। पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो रोडों पर आना शुरू हो गई थी, जो बैरी कैट्स थे उनको इलेक्ट किया गया, और लुइस फिलिप है उनको फोर्स किया गया और वो छुप गए, भाग गए, ठीक है। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम करा और सफरेज गारंट कर दिया गया सभी लोगों को, मतलब सभी मेल्स को 21 साल से ऊपर की तुम जो है वो वोट कर सकते हो। और 1845 में जो वीवर्स थे उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी अगेंस्ट करा, जो उनके रॉ मटेरियल उनके लिए सप्लाई करते थे उनके अगेंस्ट, उन कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट उन्होंने बात करी, और जो है वो मतलब पेमेंट्स के लिए बात करी थी उन्होंने, मतलब रिवॉर्ड करा था। ऑक्यूपेशन का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा, कॉटन वीविंग का जो है वाइड स्प्रेड बढ़ रहा था, और लोगों को जॉब्स चाहिए थी बहुत ज़्यादा, बट जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा जो है वो घटता चला जा रहा था। सो 4 June 2 PM में काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्राउड था वीवर्स का, वो मतलब वो मार्च करते हुए गए, और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बोला कि हाई डिमांड हमें चाहिए, और उन्होंने उसके घरों पे मतलब अलग अलग जगह से वो जाने लगे और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो वो पड़ोस के विलेज में भाग गया अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे भी उसको जगह नहीं दी, उसको शेल्टर नहीं दिया गया, ठीक है। और 24 घंटे के बाद वो आर्मी के साथ आया, और उस टाइम पर 11 व्यूवर्स को जो है वो मार दिया गया था, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, सो पैरल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, जो वर्कर्स थे उन्होंने देखा कि वर्कर्स के लिए जो था जो रिवोल्यूशन था ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने लिया, तो लोगों को लगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अब उन्हें पता चल रहा था कि कैसी कैसी चीज़ें होने वाली है, और वो डिमांड कर रहे थे नेशन स्टेट बनने की, इंडिपेंडेंस की, ठीक है। उन स्टेट्स पे जो कि भी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरीन एम्पायर, ठीक है। मैन और वुमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो अपने डिमांड्स को कंबाइन करके नेशनल यूनिफिकेशन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना रहे थे, ठीक है। उन्होंने ग्रोइंग पॉपुलेशन का एडवांटेज लिया, और उन्होंने बहुत सारी जो नेशन स्टेट मतलब क्रिएशन की डिमांड उन्होंने की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएट जो है वो उन्हें एसोसिएशन उन्हें दे दिया गया था, ठीक है। जर्मन रीजन में काफ़ी सारा ऐसा लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, वहाँ पे लोगों को मतलब मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, वही जो है इस रिफॉर्म में काम कर, रिफॉर्म में नहीं मतलब रिवॉर्ड में काम कर रहे थे, और
सारे जो है उन्होंने डिसाइड करा कि वो जर्मन नेशनल असेंबली में वोट करेंगे। 18 मई 1848 में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर दिए गए, ठीक है, और उनकी जगहों पे मतलब उनको बोला गया कि जैसे जो चर्च थी सैंट पॉल की, उधर पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह जो है वो सेटअप करने लग गए थे, ठीक है। तो मोनार्की जो थी वो मतलब अब फिर से लग रहा था कि चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जो है वहाँ पे प्रूशिया ने, प्रूशिया के जो किंग थे उन्होंने बोला कि ठीक है हमें मोनार्क नहीं चाहिए, और हम मतलब इनके वो असम वो चली गए, मतलब वो और ज़्यादा मोनार्क उन्होंने ज्वाइन करा, और उन्होंने बोला कि ये जो तुम लोग डिमांड कर रहे हो ये हम नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट थी वो मिडिल क्लास लोगों से डोमिनेटेड थी, जिन्होंने वर्कर्स और आर्टिसंस के लिए उनके लिए जो है वो लड़ाई करी, ठीक है। एंड में जो ट्रूप्स थे उनको बुलाया गया और असेंबली को जो है वो फोर्सफुली डिस्बैंड कर दिया गया था। इस इशू की वजह से जो वुमेंस की वजह से वुमेंस की जो पॉलिटिकल राइट थे वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए। वुमेंस को भी चाहिए थे सारे एसोसिएशन, वो भी सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन उन्होंने खोलने लगे और वो न्यूज़पेपर वगैरह बनाने लग गए, ठीक है। स्टिल अभी भी वो वोट नहीं दे सकती थी, बट वो इलेक्शन में जो है वो जा सकती थी, ठीक है। सो वुमेंस को मतलब वो अब्जॉर्व कर सकती थी विजिटर्स गैलरी को, ठीक है, और वो एबल थे मतलब अब सारी चीज़ों को सप्रेस करने के लिए, ताकि वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको वो कर सके। रिवोल्यूशन का जो रिसाइकल है वो फिर से लोगों को लग रहा था कि ठीक है फिर से रिवोल्यूशन शुरू होगा, और जो सर्फडम है और जो बाउंडेड लेबर्स है उन्होंने हर्सबर्ग और रशिया में भी उनको फील हो रहा था कि चीज़ें जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। फिर आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ओके। सो जर्मनी, क्या आर्मी किसी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है? मतलब क्या कि कोई भी आर्मी ऐसा डिफाइन कर सकती है किसी की एक नेशन कैसा होना चाहिए, उसको आर्किटेक्ट कर सकती है? सो 1848, दिस इज़ अ क्वेश्चन विच अराइव्स, ठीक है। सो 1848 में यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो मतलब फैलने लगा फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। सो जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स थे वो लोगों को अंदर, लोगों के अंदर जाग रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि स्टेट पावर को ज़्यादा, स्टेट पावर को प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन आ सके, ठीक है। सो ये ऑब्जर्व किया गया दिस प्रोसेस इन जर्मनी और इटली में, जब जर्मनी और इटली यूनिफाई हो गए, यानी कि साथ में मिल गए बिकॉज एज नेशन स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि हमने देखा जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर बहुत मतलब जाग रही थी अब, तो 1848 में, और 1848 में उन्होंने ट्राई भी करा था कि वो डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट कर सके, ताकि जर्मन कन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट बनाया जा सके, और जो गवर्नमेंट है वो मतलब इलेक्टेड पार्लियामेंट में हो। तो जो लिबरल इनिशिएटिव है नेशन बिल्डिंग का, वो रिप्रेस किया जा रहा था, बार बार वो दबाया जा रहा था, क्योंकि लोगों, क्योंकि जो राजा थे उनको तो ऐसा लग रहा था ना कि नहीं ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, मोनार्की चली रहनी चाहिए, वरना हमारा तो सब कुछ डूब जाएगा, राइट। सो उनको जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनको जंकर्स बोलते हैं प्रशिया के, उन्होंने भी जो है अपने साथ हेल्प, उन्होंने भी हेल्प करी थी, ठीक है। प्रशिया ने लीडरशिप ले ली कि हम नेशनल यूनिफिकेशन की मूवमेंट करेंगे, तो उनके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इस प्रोसेस को एक आर्किटेक्ट दिया विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो उसी टाइम पे 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी इस चीज़ को, मतलब ये जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया था इस ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए, 7 साल के अंडर प्रूशिया ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, जिसकी वजह से जिसमें प्रूशिया जीत गई और यूनिफिकेशन जो है वो पूरा हो गया। जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन, उनको प्रोक्लेम किया गया जर्मन एम्परायर का, उनको मतलब वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर, उनको जर्मन एम्परर बोल दिया गया इन द सर्मनी डेट हेल्ड एट वर्सलीस। सो बिटरली कोल्ड मॉर्निंग थी 18 जनवरी 1871 की, एक असेंबली जिसमें बहुत सारे प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रूशियन इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी थे, वो सारे हॉल्स ऑफ मिरर में मिले
जो कि वर्सलीस में है, और उन्होंने प्लेन करा कि जो नया जर्मन एम्परर है वो होगा कैसर विलियम वन ऑफ प्रशिया। सो ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था जर्मनी का, इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करा था कि प्रशिया का क्या डोमिनेंस है और उसका क्या पावर है। ठीक है, काफ़ी सारे करेंसी मॉडर्नाइज कर दी गई, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में सब कुछ जो वो चेंज हो रहा था, मॉडर्नाइज हो रहा था। जो प्रूशियन मेजर्स थे और जो प्रैक्टिसेस थी वो और ज़्यादा मॉडल बन करके आए बाकी जर्मनी के लिए। ठीक है, अब इटली कैसे यूनिफाई हुई? जर्मनी के साथ साथ इटली में भी एक काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है। इटालियंस भी सेवरल डायनेस्टीज में और डायनेस्टिक स्टेट्स में फैले हुए थे, और काफ़ी सारे मल्टी नेशनल हाब्सबर्ग एम्पायर भी थे। ठीक है, मिडल ऑफ 20th सेंचुरी में इटली को 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से सिर्फ एक विच वॉज सार्डिनिया पिडमोंट, उसी में इटली का कोई राजा राज करता था, बाकी हर जगह में अलग अलग लोग, अलग अलग जगह के लोग आके राज कर रहे थे। जैसे नॉर्थ में जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था वहाँ पर डेट वॉज रूल्ड बाय पॉप, और जो साउदर्न रीजन था वो बर्बन किंग, स्पेन के बर्बन किंग के अंडर था। इवन जो इटालियन लैंग्वेज थी वो मतलब कॉमन फॉर्म नहीं लिया था अभी तक बिकॉज ऑफ रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। 1830s में गुसुप मजीनी उन्होंने एक प्रोग्राम कोहेरेंट करा ताकि इटालियन रिपब्लिक को जोड़ा जा सके। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है, जिसका नाम था यंग इटली फॉर द डिसमिशन ऑफ हिस गोल्स। सो ये जो फेलियर था रिवोल्यूशनरी अपसरिंग का वो आया 1813 और 1814 में भी, जिसका मतलब था कि अब जो मेंटल है वो सरदानिया पिडमेंट के अंदर आएगा अंडर इट्स रूलर विक्टर एमानुएल टू, ताकि इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई किया जा सके थ्रू वॉर्स। ठीक है, जो रूलिंग एलाइट्स थे रीजन के उन्हें लग रहा था कि यूनिफाई इटली की वजह से जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा था। ठीक है, चीफ मिनिस्टर केवियर उन्होंने इस मूवमेंट को और ज़्यादा मतलब इस मूवमेंट को यूनिफाई करने का बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब नीदर रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रैट, ठीक है, उनको मतलब बीच बीच गए थे वो। सो जैसे और वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलाइट के, वो फ्रेंच बोला करते थे, इटालियन से अच्छा वो लोग फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था फ्रांस के साथ जो कि केवियर ने बनाया था। सरदानिया पिडमोंट उनको हार फेस करनी पड़ी ऑस्ट्रियन फोर्सेस से 1859 में। ठीक है, सो ये जो रेगुलर ट्रॉप्स थे इसके साथ साथ जो बड़े आर्म वॉलेंटियर्स थे वो भी गुसेप गरिबाल्दी के अंडर जो वो सारे आ गए थे ज्वाइन द फ्रे। सो 1860 में उन्होंने मार्च करना शुरू करा साउथ इटली में एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और उन्हें वो जीत गए और उन्हें लोकल पीजेंट्स का जो वो सपोर्ट मिल गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पेनिश रूलर था उनको बाहर निकाल दिया गया। 1861 में विक्टर एमैनुअल टू उन्होंने यूनाइटेड इटली का उनको राजा प्रोक्लेम कर दिया गया, और जो इटालियन पॉपुलेशन थी जिनकी इलिटरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई थे, वो अभी बहुत ही अनअवेयर थे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, उनको कुछ अभी पता नहीं था कि ठीक है ये क्या हो रहा है, उनको ऐसा हो गया ठीक है अभी कुछ और चल रहा था, अभी राज्य करा था, उनको कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, लाइक जो हो रहा है होते रहे। जो पीजेंट्स थे वो गरिबाल्दी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इन सदर्न इटली, और उन्होंने कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना था। ठीक है, और जो उनको ऐसा लगता था कि इटालिया यानी कि ला इटालिया वो एमैनुअल की विक्टर एमैनुअल की वाइफ है। इटालिया बेसिकली एक फिगर बनाया था इटालियंस के लिए कि वो अपनी कंट्री को कैसे समझेंगे। ठीक है, अब ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस देखो, नेशन स्टेट का जो मॉडल है वो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आर्ग्यू करा ग्रेट ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है ब्रिटिश में जो फॉर्मेशन हुआ नेशन स्टेट का वो कोई सडन अपहील या रेवोल्यूशन नहीं था, ये काफ़ी लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस थी। ठीक है, जो ब्रिटिश नेशन था वो 18th सेंचुरी में मतलब था नहीं 18th सेंचुरी तक। ठीक है, तो जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी लोगों की वो थी ब्रिटिश आइसल्स वर द एथनिक वंस, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉच और आयरिश। ठीक है, इन सभी के अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। ठीक है, बट जो इंग्लिश नेशन थे वो मतलब
उनके पास ऑफ कोर्स वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर जब वो इंक्रीज होती जा रही थी, जिसकी वजह से और जो और भी नेशंस थे आइलैंड के, उधर भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला इन लोगों का। ठीक है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो सीज कर दी गई फ्रॉम मोनार्की इन 1688 बाय द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो उसी टाइम से जो है थोड़े कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गई थी। तो ये इंस्ट्रूमेंट था जिसके साथ नेशन स्टेट इंग्लैंड में एक सेंटर बना और फौज भी आई। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुई, जिसमें रिजल्ट ये आया कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बन गया। ठीक है, इसकी वजह से द एक्ट ऑफ यूनियन इफेक्ट में जो इंग्लैंड था अब वो एबल था कि वो स्कॉटलैंड के इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर सके, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इंग्लिश मेंबर का जो है वहाँ पे डोमिनेटेड बढ़ गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश आइडेंटिटी का मतलब था कि स्कॉटलैंड की जो डिस्ट्रिक्टिव कल्चर है और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो सिस्टमेटिकली सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, जो कैथोलिक क्लांस थे डैट इनहैबिट, उसकी वजह से जो भी स्कॉटिश हाईलैंड थे उनको सफ़र करना पड़ा एक टेरेबल रिप्रेशन जब भी उनको इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे वो गेलिक लैंग्वेज बोलते थे और नेशनल ड्रेसेस पहना करते थे। ठीक है, सो काफ़ी लोगों को जो है ज़बरदस्ती उनका घर जो है वो छुड़वा दिया गया था। आयरलैंड को भी सिमिलर फेट हुआ। ठीक है, जहाँ पे भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं ना वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, सो जो इंग्लिश थे वो प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प कर रहे थे ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ऑफ लार्जली कैथोलिक कंट्री। ठीक है, सो जो कैथोलिक थे वो ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट करा। ठीक है, और उनको ब्रिटिश डोमिनेंस को सरप्रेस भी कर दिया गया था। जब रिवोल्यूशन फेल हो गई तब जब वोल्फ टोन था और उनकी जो यूनाइटेड आयरिश मैन थी, ठीक है, तो आयरलैंड को फोर्सफुली इनको रिप्ट किया गया कि वो यूनाइटेड किंगडम में जाए, उनको यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था और जो नया ब्रिटिश नेशन है वो बन चुका था। ठीक है, विद द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर काफ़ी सिंबल बनाए गए नए ब्रिटेन में, जैसे यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड द सबॉर्डिनेट पार्टनर्स यूनियन। अब आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। सो देखो, एक रूलर को रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकता है, एक रूलर की पोर्ट्रेट बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकता है, बट एक नेशन को, एक देश को क्या शक्ल दें, हम क्या फेस दें, क्या नाम दें? तो 18th और 19th century के उन्होंने बोला कि क्यों ना हम किसी नेशन को परसोनीफाई करें, परसोनीफाइंग अ नेशन, मतलब कोई भी नेशन को हम कोई पर्सन की फिगर दे देते हैं। जैसे कि हम लोग भारत में, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि वी आर इंडियंस, ठीक है, और हम लोगों के अंडर हमने जो एक अपने देश के लिए जो एक पर्सोनिफिकेशन किया है डैट इज़ भारत माता। ठीक है, हमें अभी भी हम भारत माता बोले तो हमें दिमाग में आ जाएगा कि एक देवी होंगी जिनके हाथ में हमारा देश का झंडा होगा, बगल में टाइगर होगा, मोर आसपास होगा, मतलब आपको समझ आ रहा है कि ठीक है हम भारत माता की बात कर रहे हैं। सो भारत माता कौन है? भारत माता इज़ इंडिया, राइट। सो हमने एक जो है वो फिगर दे दिया, एक पर्सोनिफाई कर लिया है हमारी कंट्री को, वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि कंट्री को एज अ पर्सन हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेशंस ने फीमेल फिगर्स बनानी शुरू कर दी, जैसे हमारे पास भी फीमेल फिगर है, और वो जो वुमेन थी, ऑफकोर्स वो पर्टिकुलर लाइफ, रियल लाइफ पे कोई पर्टिकुलर थी वुमेन थी नहीं, बस वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, मतलब नेशन का जो एक कंक्रीट फॉर्म है उसको एक मतलब आइडिया देना। ठीक है, कि एक फीमेल फिगर जो है वो एलेग्री बन सकती है नेशन की। ठीक है, सो वॉट इज़ एलेग्री? एलेग्री इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसकी वजह से हम किसी पर्सन या किसी थिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या कोई मतलब स्टोरी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लोगों ने फीमेल एलेगरी को यूज़ किया था लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये जो आइडियाज़ थे कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को और सिंबल्स को, ठीक है, मतलब ये जो भी आइडियाज़ थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया भारत माता, तो उनके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत माता के हाथ में तिरंगा होता है, राइट। ठीक है, सो ऐसे
जैसे हमें याद है कि जो एट्रीब्यूट्स थे लिबर्टी के, डेट वर रेड कैप, द ब्रोकन चेन, जस्टिस इज जनरली, जैसे कि जस्टिस एक ब्लाइंड फोल्ड वुमेन, मतलब एक ब्लाइंड फोल्ड वुमेन है जिसके पास वेइंग स्केल्स है। जैसे कि हम लोगों ने बोला होता है कि हम लोग बोलते हैं कि कानून अंधा होता है, आपने देखा होगा कि जब कोर्ट्स होते हैं मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा आपने, तो वहाँ पर एक एक स्टैचू होता है एक एक फीमेल फिगर का जिसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ पे तराजू होता है, राइट? आप लोगों को आई होप याद आ रहा होगा। सो यस, दिस इज द सेम। सो ऐसी फीमेल एलिग्रीज आर्टिस्ट ने बनाई 19th century में ताकि वो नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। वैसे ही फ्रांस को दिया गया मरियाने, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, जिसका उनकी कैटेगरी ये थी कि वो रेड कैप पहनती थी और ट्राई कलर उनके पास होता था और कोकेट भी उनके पास होता था, ठीक है। सो उस टाइम पे मरियाने की इमेजेस जो है वो कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी जो है छपने लग गई थी। सिमिलरली जर्मनिया वो जर्मन नेशन की जो है वो एलिगरी बनी, जिनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से कि जर्मनिया है वो ओक लीव्स का जो है वो क्राउन पहनेगी, क्योंकि ओक लीव्स स्टैंड फॉर हिजम। सो यहाँ पे हमारे पास जर्मनिया की फ़ोटो है, यानी कि जर्मनी अभी बोला। सो यहाँ पे देखो ओक लीव्स का उन्होंने क्राउन लिया हुआ है, साथ में उनके पास एक स्वॉर्ड है बड़ी सी और उन्होंने एक हाथ में जर्मनी का जो है फ्लैग वो पकड़ के रखा है, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, लास्ट क्वार्टर यानी कि लास्ट के 19th century के 4 साल, यानी कि 1896 से लेके 1900 तक का, ठीक है, दिस वॉज द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century। नेशनलिज्म अब आइडियलिस्ट, मतलब अब लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट में, मतलब ज़्यादातर सेंचुरी में लोगों को पता चल गया था, ठीक है, और ये जो नैरो क्रिटिसिज्म के लिमिटेड एंड थे। सो नेशनलिस्ट ग्रुप का जो पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गया था, ठीक है, और लोग लड़ाई करने के लिए भी राजी थे। काफ़ी यूरोपियन पावर्स, उन्होंने काफ़ी नेशनलिस्ट एस्पिरेंट्स को मैनिपुलेट करा और उन्होंने बोला कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने यूरोप को बोला कि यूरोप जो है हमारा वो इंपीरियलिस्ट एम्स होगा। ज़्यादातर जो सीरियस सोर्स थे नेशनलिस्ट टेंशन के, नेशनल टेंशन इन यूरोप, वो थे 1817 के बाद, जिनको बलकान्स बोला गया। सब बलकान्स एक रीजन है, एक ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन, जो कि अभी रोमेनिया है, मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, जो कि उनको स्लाव्स बोला जाता था। स्लाव्स क्यों? बिकॉज वो दूसरों के लैंड में जाके काम किया करते थे, ठीक है, और ज़्यादातर ये जो ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, और साथ साथ में रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया भी फैल रहा था लोगों के अंदर, ठीक है। सो ऑटोमन एम्पायर का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव था, उन्होंने बना दिया था, ठीक है। 19th century में जो ऑटोमन एम्पायर है उन्हें स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, ताकि वो मॉडर्निज्म और जो इंटरनल रिफॉर्म्स है उनको उनमें थोड़ी सी सक्सेस मिली थी, ठीक है। वन बाय वन जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट थे उन्होंने मतलब अपना कंट्रोल तोड़ना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। जो बल्कन पीपल थे उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस का क्लेम करा और अपने पॉलिटिकल राइट्स मांगे नेशनैलिटी पे, ठीक है, एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट वंस बीन इंडिपेंडेंट हैज सेपरेटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स, ठीक है। मतलब इतिहास गवाह है कि जिन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई कर दी वो बाद में किसी भी पावर्स के जो है सब्जुगेट को, मतलब सभी पावर को जो वो फॉरेन पावर को सब्जुगेट कर देता है, ठीक है। हेंस द रेबेलियस नेशनलिस्ट इन बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। जो डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट थे वो स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंडिपेंडेंस को बता सके, ठीक है। जब बल्कन एरिया था वो इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया, बल्कन स्टेट्स में काफ़ी जेलसी हो गई थी लोगों के बीच में, ठीक है, मैटर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे बिकॉज बल्कन वो रेवलरी पावर का भी जो है वो सीन्स बन गए थे। इसी पीरियड के दौरान एक इंटेंसिवली रेवलरी जागी यूरोपियन पावर्स के बीच में, जहाँ पे ट्रेड और कॉलोनीज थी, जैसे कि नेवल और मिलिट्री माइट। सो ये जो रेवलरीज थी ये
बलकंस को मतलब अनफोल्ड इन्होंने प्रूव करा, हर एक पावर यानी कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑफ काउंटरिंग एंड होल्ड द पावर ऑफ द वर्ल्ड। बलकन से भी सोच रही थी कि बस बलकन के ऊपर हम लोग कैसे ना कैसे करके पावर अपना हथियार ले एंड और उस एरिया के अंडर जो है वो कंट्रोल अपना जगा ले, ठीक है। इसके वजह से बाद में जो है वॉर की सीरीज हुई और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, ठीक है। नेशनलिज्म उसमें अलाइन विथ इम्पेरियलिज्म, जिसकी वजह से यूरोप में डिजास्टर आ गया था 1914 में। बट मीन भाई काफ़ी कंट्रीज थी दुनिया के जिन्होंने जिसमें अभी भी यूरोपियन पावर्स जो है वो उनको कॉलोनाइज करके उन्होंने अभी तक रखा हुआ था, ठीक है। तो जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स थे उस वो हर जगह नेशनलिस्ट की को डेवलप कर रहे थे, ठीक है। और सेंस आ रही थी लोगों के बीच में कि अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी वॉज इंस्पायर्ड बिटवीन द पीपल्स, जो यूरोपियन इंडियंस यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के वो और ज़्यादा रेप्लिकेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके से लोगों के दिलों में वो सेम चीज़ आई जा रही थी और लोगों को समझाया गया कि और चीज़ें नेशन स्टेट के लिए जो है वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ठीक है। और जो नेशनल स्टेट है वो यूनिवर्सली और नेचुरल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया था, ठीक है, थ्रू आउट द यूरोप। सो येस डैट इज इट फॉर द वीडियो ऑन द चैप्टर। द चैप्टर वॉज अ बिट लेंदी बट येस द चैप्ट द फॉर द कमिंग चैप्टर आर गोना बी लेंदी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।